तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 9 हिंदी काव्य खंड का चौथा पाठ प्रेम माधुरी, जिसके कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये इस वीडियो का, इस चैप्टर का, इस पाठ का सातवां पाठ है। अगर आपने पिछला 6 पाठ नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं सातवें काव्यांश को। इन दुखियान को न चैन सपने ही मिलियो, तासों सदा व्याकुल बिकल अकुलाएंगी। प्यारे हरिचंद जों की बीती जानी औधि प्राण, चाहत चले पे ये तो संग ना समाएंगी। देखो एक बारहु न नैन भरी तो ही आते, जौन जौन लोक जई हैं तहां पछताएंगी। बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, मरे हु पे आंखें ये खुली ही रही जाएंगी। तो सबसे पहले संदर्भ की बात करते हैं। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड के प्रेम माधुरी शीर्षक से लिया गया है और इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारतेंदु ग्रंथावली से इस पद्यांश को लिया गया है। अब बात करते हैं प्रसंग की। तो प्रसंग सबसे पहले व्याख्या, उसके बाद ही प्रसंग आप लिख सकेंगे, इसलिए व्याख्या सबसे पहले देख लेते हैं। तो श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियाँ कहती हैं कि प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल इन आँखों को सपने हूँ, अर्थात स्वप्न में भी चैन ना मिले, अर्थात शांति नहीं मिल पाती है इन दुखियन को। इन दुखियन को अर्थात आँखों से तुलना की जा रही है, तो इन आँखों को स्वप्न में भी चैन नहीं मिल रही है, चैन नहीं मिल पाती है, क्योंकि तासों सदा व्याकुल बिकल अकुलाएंगी। तासों अर्थात इसी कारण हमारी आँखें सदैव, सदा यानी कि सदैव, प्रिय के दर्शन के लिए व्याकुल और बिकल यानी कि बेचैन रहेंगी। प्यारे हरी चंद्रजू की बीती जानी औधि प्राण, अर्थात जैसे जैसे प्यारे की अर्थात प्रियतम की के लौट आने की औधि यानी कि अवधि बीती जानी अर्थात बीत रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर, हमारे प्राण शरीर त्यागने के लिए व्याकुल होते जा रहे हैं। परंतु मरने पर हमारे प्राण के साथ हमारी आँखें भी चाहत चले अर्थात खुली रहना चाहती हैं। संग ना समाएंगी, चले पे ये तो संग ना समाएंगी, अर्थात ये आँखें प्राण चले जाने के बाद भी ये आंखें बंद नहीं होंगी, खुली रहना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि देखो एक बारहु ना नैन भरी तो ही आते, क्योंकि इन आंखों ने, नैन अर्थात आंखों ने, याते यानी कि एक अपनी आंखों से अपने प्रियतम को जी भरकर एक बार भी दर्शन नहीं किए हैं, ना देखो यानी कि दर्शन नहीं किए हैं, इसलिए जौन जौन लोग जय हैं तहाँ पछताएंगी, अर्थात इसलिए हमारी आँखें जिस भी लोक में जय हैं यानी कि जाएंगी तहाँ पछताएंगी, वहाँ जाकर पश्चाताप ही करेंगी, पछताएंगे अर्थात पश्चाताप करेंगी। हे उद्धव बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, मरे हूँ पे आँखें ये खुली ही रह जाएंगी। अर्थात हे उद्धव तुम श्री कृष्ण तक हमारा संदेश पहुँचा देना और उन्हें कहना कि उनके दर्श के बिना, दरस अर्थात दर्शन, उनके दर्शन के बिना हमारी आँखें मरे हु पे यानी कि मृत्यु के बाद भी, मरने पर भी अपने प्रियतम के दर्शन के लिए खुली ही रह आएंगी, अर्थात उनके दर्शन की प्रतीक्षा में खुली ही रहेंगी। तो ये संदेश आप श्री कृष्ण को, हमारा ये संदेश पहुंचा देना है उद्धव जी, कि ये हमारी आंखें हमारी मृत्यु के पश्चात भी अपने प्रियतम के दर्शन की प्रतीक्षा में खुली ही रहेंगी। तो होप आपको ये इसकी व्याख्या समझ आई होगी, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। इसके बाद में चलिए देखते हैं प्रसंग। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने गोपियों की व्याकुलता एवं गोपियों के नेत्रों की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। अब बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। तो भाषा सभी की तरह ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली है, गुण इसमें माधुर्य है, रस इसमें वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि वियोग इसमें हो रहा है,
गोपियों का श्री कृष्ण से वियोग है, इसलिए वियोग श्रृंगार रस है और छंद इसमें कवित्त है। अब बात करते हैं अलंकार की, तो इसमें देखिए व्याकुल विकल, तो इसमें देखिए ब और ब दोनों की आवृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है दोनों वर्णों की, ब और यहाँ पर भी ब। तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होती है। और यहाँ पर देखिए जौन जौन, अर्थात एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि देखिए इस पद्यांश में सभी घटनाओं को, इन घटनाओं का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया गया है। जैसे हमारे मरने के पश्चात हमारी आंखें खुली रहना चाहती हैं, ऐसी वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो बढ़ा चढ़ा कर घटनाओं का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जा गया है, तो इस कारण यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार इसमें प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर तीन अलंकार है, यहाँ पर व्याकुल विकल, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है क्योंकि वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही है, जौन जौन शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और यहाँ पर तीसरा अलंकार जो कि इस पद्यांश में घटनाओं का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया गया है, जिसके कारण यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है। तो तीन अलंकार हैं, ध्यान रखें। और इसी के साथ ही ये सातवां पद्यांश और ये चौथा चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। होप ये पूरा चैप्टर ही आपको समझ आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।